अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्य किस्म में मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मुझे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक जड़ी बूटी को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दूधी जड़ी बूटी के हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों दूधी बूटी को इसके अलावा हज़ार दानी खुर्द भी बोला जाता है। दोस्तों इसे इंग्लिश के अंदर फेरेंटस बोला जाता है। और दोस्तों हज़ार दानी के भी आगे फर्दर काफ़ी टाइप्स हैं। और दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे जो है दाना नमा बीज आते हैं। दोस्तों इस वजह से इसे हज़ार दानी बोला जाता है। और इसके पत्ते को तोड़ने से पत्तों के अंदर से इसे सफेद रंग का दूध की तरह का एक मादा आता है। और दोस्तों इसकी एक और किस्म है जिसे हज़ार दानी कला बोला जाता है। उसके अंदर इसके पौधे के ऊपर गुच्छा नमा बीज लगते हैं। उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों ये ब्रांच जगहों में, कब्रस्तानों के अंदर, खाली प्लाटों के अंदर अक्सर उगी ही नजर आती है। और दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं। और दोस्तों मिजाज के अंदर ये गर्म खुश्क होती है। और दोस्तों दूधी बूटी को फ्रेश फार्म के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसे ड्राई करके भी यूज किया जाता है मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। चले दोस्तों ये तो थे हजार दानी जड़ी बूटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ, यूजेस की तरफ। दोस्तों दूधी जड़ी बूटी जो है खून को साफ करती है दोस्तों, जिसकी वजह से स्किन जो है बहुत खूबसूरत हो जाती है। और दोस्तों स्किन जो है कील मुहासों से पाक हो जाती है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें आंतों की इन्फेक्शन है, जिन्हें बवासीर है, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिन्हें संग रहनी है, यानी जिनका पेट अक्सर खराब रहता है, जिन्हें लूज मोशन लगे रहते हैं, या ऐसे अफराद जिन्हें असहाल है, पतले दस्त आ रहे हैं, उनके लिए भी ये जड़ी बूटी बेहतरीन है। एक से दो दफ़ा इस्तेमाल करने से ही ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और दोस्तों जिसम में से हर किस्म के ये कैंसर को दूर करती है। जिसम में किसी जगह पर कोई सूजिश भर रही है, कोई गिल्टी भर रही है, कोई ट्यूमर भर रहा है, उसे ख़त्म करती है। और दोस्तों जिगर की सेहत के लिए भी ये बेहतरीन है। जिगर के जो पेचीदा मसाइल होते हैं उसे दूर करती है। अनीमिया की बीमारी के लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों ऐसे फ्राज जो अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों वो लोग इसके सपोर्ट को कहवा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनका वजन जो है तेज़ी के साथ कम होगा। दोस्तों दूधी जड़ी बूटी जो है ब्लड शुगर को लेवल पर लेकर आती है। डायबिटिक्स के मरीजों के लिए ये बेहतरीन है। और दोस्तों ऐसे फ्राज जिन्हें सांस की प्रॉब्लम रहती है, जिन्हें दमा रहता है, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। दोस्तों ये जनाना मर्दाना दोनों अमराज के अंदर बेहतरीन रिजल्ट देती है। ऐसी खवातीन जिन्हें अक्सर लिकोरिया रहता है, उनके लिए ये बेहतरीन जड़ी बूटी है। दो से तीन दफ़ा इस्तेमाल करने से ही सालाना रहम की जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाती है। रहम के अंदर कोई ट्यूमर भर रहा है, कोई गिल्टी भर रही है, उसे यह दूर करती है। और दोस्तों इसी तरह मर्दाना जिंसी अमराज के लिए भी ये बेहतरीन है। एहतराम को सतह पर लेकर आती है, सुस्ते अंदाज को दूर करती है, जरियान को ख़त्म करती है, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन को दूर करती है, जिंसी वक्त में इजाफा करती है। चले दोस्तों ये तो थे दूधी जड़ी बूटी के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। अगर इसे बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिल ख़राब होता है, मतली होती है, और बहुत एक्सट्रीम यूज़ करने से उल्टी स्टार्ट हो जाती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से यूज़ करने से किडनीज भी डैमेज हो जाती है। तो इस वजह से इसे आपने मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करना है। और दोस्तों इसका जो मुनासिब मकदार है, अगर आप इसका सफूफ यूज़ करें खुश फॉर्म में, तो 1/4 टीस्पून जो है 1 कप पानी के अंदर आप बॉयल करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसके सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। चले दोस्तों ये तो थे दूधी बूटी यानी हज़ार दाना खुर्द के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है दूधी जड़ी बूटी के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मज़ीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस से मुतलिक खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर अप्लाई दूंगा। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। चले दोस्तों अब मैं आपको बोलूँगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जॉली अजीम को इजाज़त दें कि जी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।